नमस्कार, मैं प्रिया। आज 29 नवंबर, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में नए वेरिएंट को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार में पंचायत चुनाव के 9वें चरण का मतदान होगा आज। बिहार में 8 करोड़ के पार हुआ टीकाकरण। आज से बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र होगा शुरू। चौथे दिन का खेल खत्म, भारत जीत से महज 9 विकेट दूर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में नए वेरिएंट को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार में कोविड-19 के मामलों में भले ही कमी देखने को मिल रही हो, लेकिन साउथ अफ्रीका में मिले नए वेरिएंट से परेशानी बढ़ रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में अब तक एक भी मामले इस तरीके के सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिलों के सभी सिविल सर्जन और मेडिकल अफसरों को यह निर्देश बैठक के बाद दे दिया गया है कि नए वेरिएंट को लेकर विशेष सावधानी बरती जाए। इसके अलावा अगर कोविड रूटीन टेस्ट के दौरान कहीं किसी भी जिले में कोई विशेष जानकारी या सूचना मिलती है तो तत्काल स्वास्थ्य मंत्रालय को इसकी जानकारी राज्य सरकार को दी जाए। इसके साथ ही मुख्यालय की तरफ से भी जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश में जितने भी आरटीपीसीआर लैब हैं, वो लगातार अधिक से अधिक कोविड टेस्ट कराते रहें। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे दशरथ मांझी की। दशरथ मांझी का जन्म गया जिले के गलहोर में 14 जनवरी 1934 को हुआ था। दशरथ मांझी एक ऐसा नाम जिन्हें लोग अब उनके काम से जानते हैं। मांझी द माउंटेन मैन, उन पर एक फिल्म भी आ चुकी है। मांझी बिहार के गहलोर गांव के एक गरीब मजदूर थे। केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर उन्होंने अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक सड़क बना डाली थी। 22 साल परिश्रम के बाद दशरथ की बनाई गई सड़क वजीरगंज ब्लॉक की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर चुकी है। आपको बता दें कि दशरथ मांझी बेहद ही एक पिछड़े इलाके से आते थे और आदिवासी जाति के थे। शुरुआती जीवन में उन्हें अपने छोटे से हक मांगने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा था। बिहार में हर मंदिर को देना होगा इतना टैक्स। बिहार के सभी धार्मिक स्थल अब टैक्स के दायरे में आएंगे, जिसके तहत राज्य के सार्वजनिक मंदिरों के निबंधन के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने व्यापक अभियान की शुरुआत कर दी है। 1 दिसंबर से इसे और तेज किए जाने की तैयारी हो रही है। इसमें बोर्ड के अलावा आम लोग भी हिस्सा ले सकते हैं, जिसके तहत आपके आसपास कोई सार्वजनिक मंदिर है तो उसके बारे में बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या डाक के माध्यम से सूचना दे सकते हैं। मंदिरों के निबंधन के लिए सूचना के साथ ही संबंधित कागजात भी मुहैया करवाना होगा। इसके बाद धार्मिक न्यास बोर्ड कागजातों की जांच कर उसका निबंधन करेगा, जिसके बाद बिहार के हर मंदिर को 4% टैक्स देना होगा। बिहार के डीजीपी ने 6 साल से जमे पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर करने का जारी किया आदेश। बिहार में एक बार फिर से पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण होने वाला है। इसको लेकर डीजीपी एस के सिंघल ने सभी क्षेत्रीय आईजी और डीआईजी को 6 साल में एक ही जिले में जमे पुलिसकर्मियों को 10 दिनों में स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है। इसको लेकर डीजीपी ने अपने आदेश में कहा कि बिहार पुलिस अधिनियम 2007 में पुलिसकर्मियों की एक जिला में पदस्थापना अवधि 6 साल निर्धारित है। 31 दिसंबर 2021 को कट ऑफ डेट मानते हुए 6 साल की अवधि पूरा करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को दूसरे जिले में स्थानांतरित करने का आदेश निर्गत किया गया है। जानकारों की माने तो स्थानांतरित पुलिसकर्मी पंचायत चुनाव के बाद नई जगह पर योगदान के लिए प्रस्थान करेंगे। बिहार पुलिस सिपाही चालक भर्ती के ड्राइविंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी। केंद्रीय चयन परिषद पटना ने कांस्टेबल भर्ती की ड्राइविंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। बिहार पुलिस में सिपाही चालक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ड्राइविंग टेस्टिंग में शामिल होने के लिए अपने एडमिट कार्ड केंद्रीय चयन परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सीएसबीसी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल 5321 अभ्यर्थियों को अगले चरण की परीक्षा के लिए पात्र पाया गया है। वाहन चलान दक्षता परीक्षा का आयोजन 8 दिसंबर 2021 से शहीद राजेंद्र सिंह राजकीय विद्यालय गर्दनीबाग पटना के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। बिहार में अब मनरेगा से प्राइमरी स्कूल की चहारदीवारी का होगा निर्माण। देहाती इलाकों के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूल को चहारदीवारी का निर्माण जल्द से जल्द होने वाला है, जिसके तहत उन सभी प्रारंभिक विद्यालय जहां चहारदीवारी नहीं है या क्षतिग्रस्त है, वहां पर मनरेगा योजना के तहत बाउंड्री का निर्माण करवाया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र जारी कर दिया है। जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि बिहार के बहुत से ऐसे प्रारंभिक विद्यालय हैं जहां चहारदीवारी की समस्या है। चहारदीवारी नहीं रहने और क्षतिग्रस्त और अपूर्ण रहने के कारण विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों में सुरक्षा का अभाव रहता है, साथ ही असहजता भी बनी रहती है।
बिहार में 8 करोड़ के पार हुआ कोरोना टीकाकरण। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के बेहतर प्रबंधन और राज्यवासियों की सहभागिता और सक्रियता से बिहार में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा 8 करोड़ के पार हो गया है। इसको लेकर मंगल पांडे ने राज्यवासी चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मी, टीकाकर्मी और सामाजिक संगठनों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा है कि सबके अथक प्रयास का ही परिणाम है कि राज्य निर्धारित समय से पहले ही लक्ष्य पूरा करने में सफल रहा है। पहले 7 नवम्बर को राज्य ने 7 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था, फिर करीब 1 महीने के भीतर ही बिहार ने 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का काम किया है और 8 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। बिहार में पंचायत चुनाव के 9वें चरण का मतदान होगा आज। पंचायत चुनाव के 8 चरणों के सफलतापूर्वक समापन के बाद आज 9वें चरण की बारी है, जिसके तहत आज सुबह से ही मतदाता कतार में नजर आएंगे। 9वें चरण के पंचायत चुनाव के लिए राज्य के 35 जिलों की 875 पंचायतों में 7,754 मतदान भवन निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 554 नक्सल प्रभावित है। इस चरण में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 42,000 पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसमें जिला पुलिस बल, गृह रक्षक बल, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल और सैफ बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। मतदान वाले पंचायतों में विशेष छापेमारी, कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी और फ्लैग मार्च करवाया जाएगा। बिहार को जल्द मिलेगी ट्रैफिक जाम से निजात। अक्सर जब भी आप सड़कों पर चलते होंगे तो कहीं ना कहीं आप जाम में जरूर फंसते होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि बिहार को जाम से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने अहम पहल की है। इसको लेकर गृह विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और रेंज आईजी, डीआईजी को सख्त आदेश दिया है कि इन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि उनके क्षेत्राधिकार में जहां भी जाम की समस्या है उसका अध्ययन कर विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाए और उसे अपने यहां प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि जाम की समस्या से राज्य को निजात मिल सके। गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश पर जिलों में यह चिन्हित किए गए हैं कि कहां कहां पर जाम की समस्या अधिक है। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र होगा शुरू। आज यानी कि 29 नवंबर से बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, जो कि छोटी अवधि तक ही रहने वाला है, यानी कि यह सत्र केवल 5 दिसंबर तक चलेगा। यह सत्र शांतिपूर्ण चले इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने हाल ही में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने की हालांकि संभावना जताई जा रही है, क्योंकि महंगाई और जहरीली शराब से जान गंवाने वाले लोगों के मामले लगातार सामने आए हैं और बिहार की राजनीति के गलियारे में लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। इतना ही नहीं, इन दिनों बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट भी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आज से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में विपक्ष शांति से नहीं बैठने वाला है। बिहार के हाजीपुर जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। हाजीपुर भारत के ऐसे स्थानों में शामिल है जो अतीत और वर्तमान को सालों से अपने में समेटे हुए हैं। यह शहर भगवान बुद्ध, इस्लाम और ब्रिटिश काल से जुड़े रोचक तथ्यों के लिए फेमस है। हाजीपुर में हिंदू और जैन धर्म के कई मंदिर स्थित है जो पर्यटकों की आस्था का मुख्य केंद्र है, जिसमें बटेश्वर नाथ मंदिर, पातालेश्वर मंदिर और रामचौरा मंदिर प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ घूमने के लिए महात्मा गांधी सेतु, कौनहारा घाट भी शामिल है। महाआंदोलन के लिए तैयार बेरोजगार। प्रारंभिक स्कूलों के लिए 94,000 सीटों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया के बीच आज बेरोजगार महाआंदोलन की शुरुआत होने वाली है। इस दौरान शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन शुरू करने वाले हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों की माने तो साल 2019 से चल रहे बहाली प्रक्रिया को सरकार जानबूझकर पूरा नहीं कर पा रही है और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद नियोजन इकाई में 2 बार फिर से काउंसलिंग की कार्रवाई की गई थी, लेकिन 38,000 चयनित अभ्यर्थियों को पहले काउंसलिंग कराने से कोई फायदा नहीं मिला और बीच में पंचायत चुनाव की वजह से लागू आचार संहिता ने नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज गर्दनीबाग में राज्य भर के शिक्षक अभ्यर्थी महाआंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जिलों में लुढ़केगा पारा। बिहार में ठंड का असर अब साफ साफ देखने को मिल रहा है। शाम होते ही तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। रात गुजरने के साथ ही ठंड का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। सुबह की शुरुआत और धुंध के साथ होने लगी है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास भी रहने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राज्य में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ ठंड बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण के हालात भी चिंताजनक बताए जा रहे हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, अरवल, औरंगाबाद, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, जहानाबाद और लखीसराय आदि जिलों में ठंड का असर अधिक रहेगा। बिहार सरकार देगी 1100 इंजीनियरों की ओर नौकरी। नौकरी की तलाश में बैठे इंजीनियरों के लिए अहम सूचना। सरकार पंचायती राज विभाग के विभिन्न निर्माण योजना और विकास कार्यों की निगरानी के लिए अलग अभियंत्रण संवर्ग बनाने जा रही है, जिसके तहत अब विभाग के अपने स्थायी अभियंता होने वाले हैं। इसको लेकर विभाग अभियंत्रण संवर्ग के गठन की कवायद शुरू हो गई है। पहले चरण में करीब 1100 इंजीनियरों के पद का सृजन होना है, जो कि इन पदों के सृजन की स्वीकृति मिलने के बाद इनकी नियुक्ति शुरू हो जाएगी। अभी तक विभाग का अपना अभियंत्रण संवर्ग नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग या तकनीकी सेवा आयोग ने स्थायी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का फैसला इसी को
ध्यान में रखते हुए सुना दिया है। राज्यपाल फागू चौहान से मिले शिक्षा मंत्री। बीते कई दिनों से विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार को लेकर बिहार की सरकार लगातार उलझी हुई है, जिसके कारण विपक्ष भी लगातार सरकार का घेराव करके इन भ्रष्टाचारियों पर जवाब मांग रहे हैं। हालांकि जब से इस मामले का खुलासा हुआ है, तब से ही बिहार सरकार व्यक्तिगत रूप से सख्त नजर रख रही है और लगातार इस पूरे प्रक्रिया का भंडाफोड़ करने की योजना के साथ काम कर रही है, जिसमें राज्यपाल फागू चौहान को भी लगाया गया है। वहीं अब इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बीते दिन शिक्षा मंत्री ने भी फागू चौहान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच होगी और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों का हाल बता देगा यह एप्लीकेशन। आंगनबाड़ी केंद्र पर एक दिन में कितनी मॉनिटरिंग होती है, इसकी सूचना आईटी की मदद से अब मिलने लगेगी। समाज कल्याण विभाग ने इसको लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है और एक ऐसा एप्लीकेशन विकसित किया है, जिससे कि हर दिन यह जानकारी मिलेगी कि किसी आंगनबाड़ी केंद्र पर कितने बच्चे आए हैं, कितनों को पोषाहार मिला है और कितने बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र का समय खत्म होने के बाद घर गए हैं। इस नई व्यवस्था के लिए समाज कल्याण विभाग एक एप्लीकेशन बना रहा है। इस ऐप पर सभी आंगनबाड़ी संचालिकाओं को आंगनबाड़ी आरंभ होते ही एक कतार में खड़े कर बच्चों की तस्वीर लेनी है। तस्वीर का एक्सेस उच्च स्तर पर रहे, इसके लिए एक पोर्टल भी काम करेगा। जानकारों की माने तो फिलहाल 1 से 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह व्यवस्था चलाई जा रही है। दूसरी डोज लेने वाली काजल कुमारी ने जीता स्कूटर। बिहार में कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार लगातार अलग अलग प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने सभी लोगों को दूसरी डोज के लिए प्रेरित करने के इरादे से हाल ही में लॉटरी सिस्टम का ऐलान किया था, जिसमें सेकेंड डोज लगाने वालों को स्कूटर, टीवी और अन्य सामान जीतने का मौका मिलने वाला था। लकी ड्रॉ के माध्यम से ही पहला इनाम काजल कुमारी को मिला है, जिनको स्कूटी मिली है। उन्होंने बताया है कि इसके बाद 8 लोगों का चयन किया गया, जिनको 32 इंच का LED टीवी दिया जाएगा। इसके बाद 10 लोगों का चयन किया गया, उनको मोबाइल देने का काम किया जाएगा। इसकी जानकारी पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दी है। इसके तहत आप भी अगर इनामों को जीतना चाहते हैं तो दूसरी डोज लेकर, अगर आपने नहीं लिया है तो तुरंत दूसरा डोज ले ले और इनाम जीतने का मौका पाए। बिहार के विद्यालयों में शुरू हुआ टेक इट इजी कार्यक्रम। कोविड-19 के माहौल में सबसे ज्यादा प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिला है, क्योंकि स्कूल कॉलेज लंबे समय तक बंद रहे थे और कई कक्षाओं में 2 छात्रों को बिना परीक्षा की अगली कक्षा में पास कर दिया गया। इतना ही नहीं, कई बार छात्र पर अपनी पढ़ाई पूरी करने को लेकर काफी ज्यादा मानसिक तनाव भी देखने को मिला। इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय में टेक इट इजी कार्यक्रम को चलाने का दिशा निर्देश जारी किया गया। इसको लेकर समग्र शिक्षा अभियान के DPO राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि गुणवत्ता शिक्षा समन्वयकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला में मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए टेक इट इजी कार्यक्रम को चलाने का निर्देश मिला है। इसके तहत अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 9266646444 पर मिस कॉल करके हर दिन एक नई कहानी छात्र सुन सकते हैं। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनेगा बिहार का 5वां एक्सप्रेसवे। बिहार में इन दिनों एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है, जिसके तहत ही गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बिहार का 5वां एक्सप्रेसवे बनने वाला है। सरकारी जानकारों की माने तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनने वाला यह 6 से 8 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस पर केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है और DPR बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी और राज्य के 10 जिलों से होकर गुजरेगी, जिससे राज्य का आर्थिक विकास होगा। सड़क के 3 अलाइनमेंट सामने आए हैं, जिसमें से एक पर निर्णय होगा। इतना ही नहीं, इसमें एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली आना जाना भी आसान होगा। नीति आयोग की रिपोर्ट पर सुशील मोदी ने दिया CM का साथ। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार का बचाव किया है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि 10 साल पहले की परिस्थितियों का जिक्र किए बिना पुराने आंकड़े पर रिपोर्ट जारी करना उचित नहीं है। नीति आयोग अगर इस आधार पर कोई रैंकिंग रिपोर्ट जारी करे कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय जैसे मानकों पर किसी राज्य ने 10 सालों में कितनी प्रगति की है, तो इसमें बिहार सबसे आगे होगा। आयोग को राज्यों से परामर्श कर विकास की गति मापने वाले नए पैमाने बनाने चाहिए। नीति आयोग की इस रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है तो वो एक तो 2015-16 के 6 साल पुराने आंकड़ों पर आधारित है और दूसरी बात, रिपोर्ट देखकर पंजाब, गुजरात जैसे संपन्न राज्यों, गोवा, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों और बिहार, उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों की भिन्न आर्थिक भौगोलिक परिस्थितियों का कोई आंकड़ा नहीं करती है। पप्पू यादव ने तेजस्वी पर लालू यादव का इस्तेमाल करने के लगाया आरोप। कुछ दिनों पहले ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार आए थे, जिसके बाद वो एक बार फिर से दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब बताई जा रही है, जिस पर लालू परिवार में तो चिंता है ही। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी गहरी चिंता जताई है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव पर कई बड़े आरोप लगाए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें बार बार बिहार लाना, बिहार के उपचुनाव में प्रचार करवाना, यह सब कुछ राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है। लालटेन की भव्यता से बौखला गए हैं जदयू के नेता।
हाल ही में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राजद कार्यालय में 6 टन के लालटेन का उद्घाटन किया था, जिसके बाद से इस लालटेन को लेकर बयानबाजी जारी है। हाल ही में ललन सिंह ने बिना नीतीश कुमार के लालटेन के नहीं जलने की बात कही थी, जिसके बाद अब राजद ने इस बात पर पलटवार किया है, जिसके तहत राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ साफ कहा कि लालटेन की भव्यता को देखकर जदयू नेता घबरा गए हैं, बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जितना पहले बिहार में बिजली का उत्पादन होता था, अब बिहार का अपना ग्रिड भी नहीं रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रिड तक बेच डाला है। तेज प्रताप यादव ने राबड़ी देवी को किया वीडियो कॉल। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया पर बेहद ही सक्रिय नजर आते हैं। खुद को सेकंड लालू बताने वाले तेज प्रताप यादव ने इसी कड़ी में बीते दिन अपने फेसबुक पेज पर एक तस्वीर शेयर की है। इसमें वो अपनी मां राबड़ी देवी को उनके पैतृक आवास यानी अपने ननिहाल की सैर कराते नजर आ रहे हैं। वीडियो कॉल में उन्होंने अपनी मां को उनका घर दिखाया, घर की सीढ़ी से लेकर छत कमरे आदि भी दिखाए। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, मेरी मां का जन्म स्थल सेलार कला, जहां पर वीडियो कॉल करना दोबारा उनके बचपन को याद दिलाना है, मेरी मां को मेरा प्रणाम। जिसके बाद से यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तेज प्रताप यादव अक्सर अपनी मां के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान आए अपने पिता के साथ ही उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की थी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। दिल्ली के बादशाह आलमगीर द्वितीय को 1759 में आज ही के दिन जान गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन होने पर निजाम ने 1947 में भारत में शामिल होने की अपेक्षा स्वतंत्र रहना चाहा था। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में इस्तीफा दिया। महाराष्ट्र के 1999 में नारायण गांव में विश्व का सबसे बड़ा मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप खुला। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध शायर अली सरदार जाफरी का जन्म 1913 में आज के दिन हुआ। परमवीर चक्र से सम्मानित गुरबचन सिंह सालारिया का जन्म 1935 में हुआ। 16वां मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय का निधन 1759 में आज के दिन हुआ। कवि एवं समाचार प्रसारक ओमकारनाथ श्रीवास्तव का निधन 2002 में आज के दिन हुआ था। चौथे दिन का खेल खत्म, भारत जीत से महज 9 विकेट दूर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। चौथे दिन का खेल समाप्त हो गया है। भारत को टेस्ट मैच जीतने के लिए 9 विकेट की और जरूरत है। कीवी टीम ने 284 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 1 विकेट पर 4 रन बना लिए हैं। इससे पहले चौथे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 234 रन की घोषणा कर दी। भारत की तरफ से ऋद्धिमान साह 61 रन बनाकर और अक्षर पटेल 28 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की तरफ से श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक 65 रन बनाए। कीवी टीम की तरफ से टिम साउदी और कायल जैमिसन ने 3-3 विकेट लिए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, श्वेता कुमारी, सूर्या भक्ति, कंचन भारती, सुभाष कुमार सिंह, विजय घायल, अल्केश कुमार, जीनत कमिल, विकास कुमार सिंह, विकी शर्मा, नीतीश कुमार, रुद्रांश सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज मुकाबले में वर्तमान माहौल को देखते हुए किस टीम की बढ़त हासिल करने की सबसे ज्यादा संभावना है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर दें। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।